ये शब्द लिखा हुआ है, जब आप क्लास एंड करोगे तो यहाँ जाकर के वापस स्टॉप रिकॉर्डिंग बटन दबा देना, ठीक है? और अब ये बड़ा करो, नहीं आए कभी यहाँ दबा दो तो यहाँ से बड़ा करो। दो बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज अपन सोशल की क्लास अटेंड कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं ना, तो शुरुआत में मैं आपको संघ सरकार के बारे में बताऊंगी। संघ सरकार क्या होती है, क्या नहीं होती है, इसके बारे में अपन थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले अपन कुछ चीजें समझनी जरूरी है कि सरकार होती क्या है, राज्य होता क्या है। इन चीजों को देखकर ही हम समझ सकते हैं कि ना आगे संघ सरकार होती है। जैसे कि देखो आप बोर्ड पे देखो, बोर्ड के अंदर आपको लिखा दिखाई दे रहा है सरकार। सरकार क्या है? संस्थाओं का एक संस्थाओं का ऐसा समूह जिसके पास देश में व्यवस्थित जन जीवन सुनिश्चित करने, कानून बनाने, लागू करने एवं व्याख्या करने का अधिकार। यानी कि सरकार को हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं? जनजीवन को चलाने का कार्य करता है। तो व्यवस्थित तरीके से कैसे चलाएंगे हम कि जब हमारे देश में कोई कानून, क्योंकि नियम और कानून के बिना सरकार चल ही नहीं सकती, या कोई देश चल रही हो, जैसे कि हमारे को स्कूल चलाना है वो भी हमें नियमों की आवश्यकता होती है, बिना नियम को हम स्कूल भी नहीं चला पाते। इसलिए जरूरी है कि इन देश को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए कानून। तो कानून बनाने का काम कौन करता है? सरकार का। इसके साथ साथ सरकार कानून बनाती नहीं बल्कि उसको लागू भी करती है और कानून की व्याख्या भी करती है, यानी कि ना ये कानून क्या है इसके बारे में लोगों को जानकारी भी देती है, ठीक है? अब ये आता है कि कोई सरकार कानून कहाँ लागू करे, तो जगह होगी तभी लागू होगी। जैसे कि हमारी स्कूल एक संस्था है, तो ना यहाँ पर संस्था है इसलिए यहाँ पर नियम लागू होगी, इसीलिए ना सरकार कानून वही लागू करेगी जहाँ कुछ जगह होगी या कोई समूह होगा। तो ना ये राज्य में लागू किया जाता है, देश में लागू किया जाता है, प्रदेश में लागू किया जाता है। तब सवाल आता है कि राज्य होता क्या है? राज्य न्यून अधिक बहुसंख्यक व्यक्तियों का एक समूह है। राज्य क्या है? न्यून अधिक बहुसंख्यक व्यक्तियों का एक समुदाय। समुदाय यानी है ना जन सैलाब कह सकते हो या जनता कह सकते हो। तो स्थायी रूप से एक बाहरी सरकार है ना, जिसके आदेशों का पालन नागरिक कक्षा समुदाय करता है। यानी कि राज्य क्या है? एक ही ना बहुसंख्यक लोगों का एक समुदाय है, यानी निश्चित भूभाग पे रहता है, निश्चित ही ना बहुसंख्यक लोगों का समुदाय है जो क्या करते हैं स्थायी रूप से तो स्वतंत्र हो या लगभग स्वतंत्र हो, और जिसका संगठित सरकार हो और जिसके आदेशों का पालन जनसमुदाय विशाल जनसमुदाय द्वारा स्वतः यानी अपनी इच्छा से किया जाता है। ये नहीं कि जोर जबरदस्ती से हम कानूनों का पालन करा रहे हैं, है ना? कानूनों का पालन अपनी इच्छा से ही किया जाता है, स्वतः ही किया जाता है। ऐसे ही ना ऐसे ही ना संगठन को या ऐसे स्थान को क्या कहा जाता है? राज्य कहा जाता है। राज्य क्या है? एक अमूर्त रूप माना जाता है, यानी कि जिसे देखा नहीं जा सकता है, है ना? जैसे कि हमारे जो भाव है हम इन भावों को प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन भाव हमारे अंदर है वो अमूर्त, जब हम उसको बोल के लिख के चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे मूत्रों को जाता है, तो इसी तरह राज्य
एक अमूर्त संस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? राज्य भी एक अमूर्त संस्था कहलाती है। अब ये भावों को प्रदर्शित करने के लिए या उनको मूर्त रूप देने के लिए संयमन की जगह सरकार का निर्माण करेगा, सरकार का किया जाता है। राज्य एक अमूर्त संस्था वही ना उसका दिखाई देने वाली सरकार, जिसे कि हम भाव को नहीं दे सकते या वायु को नहीं दे सकते, लेकिन वायु को हम क्या करें महसूस कर सकते हैं, है ना। इसी तरह राज्य कोई ऐसी ना दिखने वाली संस्था नहीं, राज्य है अमूर्त। अब उसके भाव को प्रदर्शित करना करने का कार्य कौन करता है? सरकार के द्वारा किया जाता है। जिस तरह हम सरकार क्या है कि राज्य के भावों को प्रदर्शित करने वाली एक संस्था है, जो लोगों को है ना लोगों के लिए या देश के को व्यवस्थित करने के लिए जनजीवन को सुनिश्चित करने के लिए कानून का निर्माण करती है, उसे लागू करती है और है ना उसको व्यवस्था करने का कार्य है। और जो भी मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ उसके मैं नोट्स आपको भेज दूंगी, आप अपनी नोटबुक के अंदर उसको नोट कर लीजिए। इसको दो मिनट दे रही हूँ, आप थोड़ा सा इसे नोट करने की कोशिश करो, फिर आप आगे पढ़ते हैं। संघात्मक शासन किसे कहा जाता है?
क्योंकि फिर संघ शासन है जहाँ शासन के एक से अधिक स्तर हो, यहाँ पर शासन के एक से अधिक हो स्तर पाए जाते हैं, है ना। भारत में भी लोकतंत्र है लेकिन भारत की शासन का स्वरूप क्या कहलाता है? संघात्मक शासन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघीय शासन भी कहा जाता है ना। और संघात्मक शासन क्या है? जहाँ शासन के एक से अधिक स्तर है ना। अगर इतना संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, अधिष्ठात्मक शासन व्यवस्था है, वह शासन का एक स्तर होगा। लेकिन जहाँ पर संघात्मक शासन है वहाँ शासन के एक से अधिक स्तर पाए जाते हैं। एक से अधिक स्तर का मतलब क्या होता है? केंद्रीय स्तर पर केंद्र या संघ स्तर दोनों लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। जो ऐसी सरकार जो पूरे देश के लिए कानूनों का निर्माण करती है, ऐसी सरकार जो राष्ट्रीय हित के विषय के लिए विषय पर पूरे देशों के लिए एक समान कानून का निर्माण करती है, उसे क्या कहते हैं? सरकार का दूसरा स्तर है राज्य स्तर, राज्य या प्रांतीय स्तर, राज्य या प्रांतीय स्तर पर। राज्य और प्रांतीय स्तर पर क्या होगी? जैसे केंद्र में केंद्रीय सरकार है तो राज्य स्तर पे क्या कहलाएगी? राज्य सरकार। क्या कहलाएगी? राज्य सरकार। कहीं कहीं सिर्फ प्रांतीय सरकार भी कहा जाता है लेकिन भारत में इसे क्या कहते हैं? राज्य सरकार। जैसे राजस्थान राज्य की अपनी सरकार है, इसी तरह तमिलनाडु राज्य की अपनी सरकार है, गुजरात राज्य की अपनी सरकार है। जो राज्यों के महत्व के विषय का कानून बनाते हैं यानी राज्य का संचालन करते हैं। केंद्र सरकार को क्या कर रही है? पूरे देश के ऊपर शासन का संचालन कर रही है। राज्य सरकार अपने अपने राज्यों में शासन का संचालन करती है। और तीसरे स्तर ये दो स्तर को जहाँ की संघात्मक सरकार होती है यहाँ पर दो स्तर को पाए जाते हैं, है ना। लेकिन हो सकता है कि तीसरा स्तर भी हो सकता है कि तीसरा स्तर भी हो, जैसे कि हमारे भारत में स्थानीय स्तर, भारत में स्थानीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, स्थानीय सरकार, स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार। सरकार के बारे में हमने 9th क्लास में पढ़ा था, आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सरकार को पढ़ा था नगरीय शासन व्यवस्था और ग्रामीण शासन व्यवस्था, त्रिस्तरीय रूप में बात रखा है। ये हम 9th में पढ़ चुके हैं इसलिए इसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो पढ़ चुके हैं उसको आप एक बार 9th बुक में रिजल्ट करोगे तो याद आ जाए। ठीक है, आज हम क्या करेंगे? केंद्र या संघीय स्तर की सरकार के बारे में, उसके बाद हम राज्य या प्रांतीय सरकार लेंगे। इसके बाद मैंने एक शब्द और दिया संसदात्मक शासन व्यवस्था। संसदात्मक का अर्थ होता है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व में कार्य करे, उस समय संसदात्मक व्यवस्था। क्या कहेंगे? कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व लेकर अगर कार्य करती है तो क्या कहलाती है? संसदात्मक व्यवस्था। और जब यह कार्यपालिका जनता के प्रति उत्तरदायित्व लेकर कार्य करती है तो उसे कहते हैं अधिष्ठात्मक शासन व्यवस्था। क्या कहा जाता है? अधिष्ठात्मक शासन व्यवस्था। इतना आया आपको समझ में? ठीक है, एक बार इसको फटाफट नोट कर लो फिर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ो।
संख्याएं थाना शासन के एक से अधिक स्तर आ जाती है। शासन के एक से अधिक स्तर का मतलब केंद्रीय संकीर्ण स्तर यानी कि केंद्र सरकार, राज्य या प्रांत स्तर पर राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार। हम इधर पर देखा जाए तो हमारे अपने भारत में जो नागरिक है वो तीनों स्तर की सरकार से शासित होती है ना। राष्ट्रपति न केवल संसद का अंग होता बल्कि वे
कार्यपालिका का भी अधिकारी होता। इसलिए राष्ट्रपति को किसके साथ करेंगे? संसद राष्ट्रपति वो कार्यपालिका के साथ करेंगे। आज हम बिना दो सदनों के बारे में लेंगे, जितना होगा कि एक्स्ट्रा 15 क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बिना वर्ष दे दूंगी, आज के वास्तव में आप उस मत को देख लेंगे क्योंकि तो लोकसभा और राज्यसभा ठीक है। पहला हमारे जो सदन है, पहला सदन कौन सा है? लोकसभा। क्या नाम है? लोकसभा। अब लोकसभा क्या है? लोकसभा को कभी निम्न सदन भी कहते हैं। निम्न सदन, निम्न सदन कहा जाता है। उसके बाद खाली निम्न सदन ही नहीं कहा जाता है, इसके अलावा ये लोकप्रिय सदन भी है। क्या है? लोकप्रिय सदन भी, इसे लोकप्रिय सदन है। और ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है। किसका प्रतिनिधित्व करती है? जनता का प्रतिनिधित्व करती है। आगे हम दोनों की तुलना करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा ये आप किसका प्रतिनिधित्व करती है? जनता का प्रतिनिधित्व। क्यों करती है जनता का प्रतिनिधित्व? क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा ही किया जाता है, इसलिए जनता का प्रतिनिधित्व करती है। साथ में ये अस्थाई सदन कहलाता है। अस्थाई सदन कहलाता है। लोकसभा हमेशा कैसा सदन है? अस्थाई सदन। इसे निम्न सदन और लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। इसे कहता जाता है निम्न सदन और लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसे निम्न सदन कहते हैं और ये अस्थाई सदन। लोकसभा को 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, जिसमें 5 वर्ष को ही बंद कर दिया जा सकता है, इसलिए इसे अस्थाई सदन कहते हैं। ये आज में इसकी बिना सदस्य संख्या की बात करते हैं। सदस्य संख्या के बारे में बात करें तो मूल संविधान में, कौन सा संविधान में? मूल संविधान में इसकी संख्या कितनी है? सदस्य संख्या 500 कितनी है? 500। मूल संविधान में इसकी सदस्य संख्या कितनी है? 500। इसके बाद फिर ना अधिकतम 552 हो सकती है। अधिकतम कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है, जिसमें से राज्य द्वारा राज्य द्वारा निर्वाचित, राज्यों के द्वारा जो निर्वाचित किया जाता है 530। राज्य द्वारा कितना निर्वाचित किया जाता है? 530 निर्वाचित किए जाते हैं। राज्य द्वारा 530 किए जाते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा, केंद्र शासित प्रदेश यानी ऐसा प्रदेश जिसके लिए कानूनों का निर्माण कौन करती है? केंद्र सरकार करती है, उन्हें केंद्र प्रशासित शासन कहा जाता है। दो लोग 20 करती है और ये ना दो राष्ट्रपति द्वारा, दो राष्ट्रपति द्वारा अंगल भाग के उनसे अंगल भाग के सदस्यों का मनोनयन करती है। सदस्यों का क्या करती है? सदस्यों का मनोनयन करती है या मनोनीत करती है। क्या करती है? इस पर मनोनयन करती है, ठीक है कि वो अंगल भाग के सदस्यों को क्या करती है? राष्ट्रपति मनोनीत करती है। इस प्रकार हमारे यहाँ पर ये तो बिना सदस्य संख्या होती है। कितनी सदस्य संख्या है? 552। कितनी है? 500। अधिकतम 552 हो सकती है, नहीं कितनी है ना? वर्तमान में 552 है, वर्तमान में तो 545 है, वर्तमान में 543 भी हो सकती है, लेकिन अधिकतम 552 होती है, जिसमें से 500 किस राज्य द्वारा निर्वाचित होती है। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदेश प्रदर्शित होती है और दो अंगल भारतीय द्वारा, ठीक
तीनों के दोंगल कार के द्वारा की जाए। अब इसके बाद हमारा आता है कि यहाँ निर्वाचन किस प्रकार किया जाए। निर्वाचन के लिए हम कर लेते हैं ना, तो आज उसका बढ़कर टिकट लड़के बंद कर सकते हैं। लास्ट उसी है टेन डे ऑफिस सर। तो इस प्रकार हम अगर आप देखेंगे तो हमारे जो ये सरकार है उसमें से हमने थोड़ा सा हिस्सा पढ़ा लोकसभा के बारे में। अभी लोकसभा की संगठन बाकी जो कंटिन्यू करेंगे तो उसे भी हम आप इसकी रोल पे रखेंगे ताकि आप उसको एक बार एडिटिंग कर लें तो कुछ ही नया समझ में आए तो आप व्हाट्सएप डाल के क्वेश्चन डाल के पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने और इसको नोट बुक में जरूर नोट करना क्योंकि इस पर एक नोट बुक में नोट करके समझोगे तभी आप आगे जाके इसे कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग स्टॉप करना पहले सर आठवीं चल रहा है। रिकॉर्डिंग पहले ये काम करना।